आ जा। हम तो हो गए हैं ना? नजर आया ना? हाँ पूरे हैं। एक बार फिर सोच ले, क्या वाकई पैसे के बदले में तुझे? हाँ। बड़ी अजीब सी बात है, आज से पहले ना तो मैंने कभी ऐसा देखा और ना ही कभी ऐसा सुना। सुन, तो यहीं पर रख, मैं अंदर साहब को बोलता हूँ। साहब को क्यों? क्योंकि बिना साहब की मर्जी पर यहां कुछ भी नहीं हो सकता, समझा? जल्दी आना। चीख मत। क्यों चाहिए ये बता। क्यों चाहिए ये नहीं बता रहा। मोटी रकम लगती है। आज शाम ही एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें आने में सुबह हो जाएगी। तुझे जो भी डेड बॉडी चाहिए दिलवा दूंगा। ये चलेगी? नहीं, ये तो बूढ़ा है, मुझे जवान आदमी की लाश चाहिए। अबे एक बात बता, तू इन लाशों के साथ करने वाला क्या है? तुमसे मतलब? पैसे दिए हैं, जो लाश पसंद आएगी वो लेकर जाऊंगा। ठीक है, तू खुद देख ले। आग से खेलना चाहता है और माचिस से डर लगता है। बोला, ये वाली डेड बॉडी उठा के इसकी कार में रख दे। पता नहीं श्यामलाल कब तक आएगा। अब बस एक बार पूनम का चांद बादलों के पीछे से निकला है, फिर वो होगा जिसका मुझे कब से इंतजार था। Thank you.
मालकिन, 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 राकेश साहब, आप राकेश साहब है ना? राकेश नहीं, रंगा। रंगा? कौन रंगा? रंगा यानी तेरी माँ। मुझे मत मारो, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राकेश, राकेश तुम हो क्या? कहाँ हो तुम राकेश? क्या तुम वापस आ गए? श्यामलाल, नहीं क्या आवाज? राकेश,
राकेश, राकेश तुम हो क्या? राकेश, राकेश तुम हो क्या? राकेश, राकेश, राकेश तुम हो क्या? ना रहे हो? तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? थोड़ा इंतजार करो, मैं बाहर आता हूं। राकेश, मुझे यकीन नहीं आ रहा राकेश कि तुम वापस आ गए हो। तुम वापस आ गए हो मेरी जिंदगी में। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। एक हसीन सपना। अच्छा सुनो, आज तुम वही सूट पहनना जो तुमने अपनी शादी के दिन पहना था, ठीक है? मैं वो सूट लेकर आती हूँ। कहाँ गया? शायद यही रखा है। श्यामलाल की लाश? कहीं कोई और तो नहीं? जो सूट तुमने शादी में पहना था वही पहन लो। क्या हुआ? सूट अच्छा नहीं लगा?
विशेष नहीं हो सकता, ये जरूर किसी और की आत्मा है। श्यामलाल को भी इसी ने मारा होगा। तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना परोसती हूँ। यामिनी ने फोन किया था? नहीं, तू क्यों नहीं फोन कर लेता उसे? शर्म आती है क्या? शर्म और यामिनी से। हेल्प, हेल्प, हेल्प! रुकिए, रुकिए, रुकिए! चलिए, 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 प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। क्या बात है? आप इतनी घबराई हो क्यों? आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जल्दी चलिए, प्लीज चलिए। हुआ क्या है? वो मुझे मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा? वो आत्मा, श्यामलाल को भी मार डाला उसने। आत्मा? किसकी आत्मा? वो खूनी आत्मा है, लाश के अंदर है। आत्मा लाश के अंदर? कहाँ पर? मेरे घर पर, मेरे घर के अंदर है। वो आ जाएगा, आप प्लीज चलिए। कुछ नहीं होगा, आप हमें उस आत्मा के पास ले चलिए। नहीं नहीं, वो बहुत खूनी आत्मा है, खतरनाक है। देखिए, क्या आप आत्मा से भाग सकती है? नहीं ना, आत्मा कहीं पे भी आ सकती है। आप हमें अपने घर लेकर चलिए, आखिर हमें पता तो चले कि वो आत्मा को मारना क्यों चाहती है। नहीं प्लीज, प्लीज आप यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से। देखिए, डरिए मत, हम आपके साथ चलेंगे, चलिए। घबराइए ना, हमारा तो रोज का काम है एक खतरनाक आत्माओं से टक्कर लेना। भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ बंद किया आपने सर? वो बेडरूम में। मैंने उस आत्मा को गुस्सा दिला दिया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। आइए। ये दरवाजा खुल कैसे गया? मैंने तो बंद किया था। शायद ये आत्मा दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आई। घबराइए मत, अंदर चलते हैं। नहीं। पता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो बुरी आत्मा थी जो इंसानों को मारती है। हमें जल्द से जल्द इस खूनी आत्मा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी है। अरे बस बस बस, रुको रुको,
कितना हुआ? 80 रुपए। कीप द चेंज। ठीक है साहब। सावित्री ने दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? सावित्री, 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 अरे कहाँ हो तुम? दरवाजा खुला छोड़ देती हो जब देखो। तुम्हें पता है ना जमाना कितना खराब है। टॉर्च, टॉर्च कहाँ है? शिट। सावित्री, सावित्री शायद बेडरूम में होगी। सावित्री, अरे तुम वहां हो? फोन? ए सावित्री, अरे क्या हो गया तुम्हें? इसने किया ये सब? ए, ए सावित्री। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। देख लेना, वो वापस जरूर आएगा, मुझे मारने, मुझसे बदला लेने। वैसे ये लाश तुम्हारे घर में आई कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। नहीं बता सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारी मदद करें? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन देखो, अगर तुमने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो लाश मैंने खुद मंगवाई थी मोरग से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब ये मुसीबत तुमने खुद ही गले लगा दी है? पर तुमने ऐसा किया क्यों? पिछले महीने एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। मैं उनके बिना जी नहीं पा रही थी, इसीलिए
मैं एक ऐसी औरत से मिली जो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। राकेश की आत्मा उनमें आ गई और अपने मरे हुए पति से बात करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश की आत्मा ने मुझे कहा कि वो अब भी मेरे प्यार में इस धरती पर भटक रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अगर पूनम की रात को उनके शरीर को मैं चांद के ठीक नीचे रख देती हूँ तो उनकी आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए लेकिन उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार तुमने कर दिया होगा है ना? इसीलिए मैंने इस दूसरे शरीर का इंतजाम किया था। लेकिन इसमें राकेश की आत्मा की बजाय किसी और की आत्मा आ गई और उसी ने आग में हाथ डाला है। तुमने मरे हुए लोगों की शांति भंग करने का हम इंसानों को कोई हक नहीं है, समझी तुम? मैं समझती हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो आत्मा आखिर है किसकी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उस औरत के पास जाना होगा जिसने सुजाता की बात कराई थी राकेश की आत्मा के साथ। अब शायद वही हमें बता पाएगी इस खूनी आत्मा के बारे में। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो आत्मा किसकी है? मेरे जरिए आप लोग दूसरी दुनिया की शक्तियों से सिर्फ बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए प्लीज, आप हमारे लिए कुछ तो कर ही सकती है। वो आत्मा श्यामलाल को मार चुकी है, अब मुझे मारना चाहती है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, नहीं मरना चाहती हूँ मैं, प्लीज प्लीज। सुचेता फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप कम से कम इनके पते राकेश की आत्मा को तो दोबारा बुला सकती है ना? शायद वो हमें बता पाएंगे इस खूनी आत्मा के बारे में। हाँ प्लीज आप उन्हें बुलाइए, प्लीज वो यहीं कहीं आसपास होंगे, आप प्लीज बुलाइए उन्हें। आत्मा को बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर अगर बुरी आत्मा को बुला लिया तो क्या अनर्थ हो सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। एक बार, बस आखिरी बार, आखिरी बार आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बस आखिरी बार। पर आया था, शरीर में प्रवेश करना चाहता था। तुमने उस शरीर में प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां और भी आत्माएं थीं जो शरीर के अंदर जाना चाहती थीं। हम सब आत्माओं में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन वो जीत गया, उसने सबको हरा दिया। उसने किसने? रंगा की आत्मा ने। ये रंगा कौन? और उसने श्यामलाल को क्यों मारा? वो एक खूनी है, पिछले जन्म में वो एक सीरियल किलर था, अब उसे एक नया शरीर मिल गया है।
और उसने ये मौत का घिनौना खेल फिर से शुरू कर दिया है। राकेश, ये रंगा हमें कहां मिलेगा? क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, वो वैशाली नगर के घर की तरफ जा रहा है। जल्दी जाओ, वहां के मासूमों की जान खतरे में है। जाओ, जल्दी जाओ। पानी गिलास यहां पे कैसे है? रोमा, रोमा अभी तो यहीं पर थी, कहां चली गई है? ये सब कैसे बिखर गया? रोमा, 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 रोमा।
रोमा, ये रोमा भी पता नहीं कहां चली गई। रोमा, रोमा, रोमा का कंगन, जरूर कुछ गड़बड़ है। रोमा, तुम कौन हो? बेटा क्यों रो रहे हो? कहीं इस रंगा ने इसके माँ बाप को तो नहीं? नहीं बेटा, रोते नहीं, राजा बेटा हो ना। रंगा ने इसके माँ बाप को भी मार दिया। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हो। ना ही तुम ऐसी बेवकूफी करती हो, ना ही ये बच्चे का हाल होता। कौन ख्याल रखेगा इस बच्चे का? राघव, ये वक्त ऐश में आने का नहीं है। सबसे पहले हमें उस रंगा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने घर परिवार बर्बाद कर देगा। ये रंगा सुजाता के घर से अजय के घर की तरफ आया, इसका मतलब कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि वो हाईवे की तरफ जाएगा। अबे ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने बुलडोजर चला दिया क्या तेरे चेहरे पर? तुझसे ज्यादा बदसूरत आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे 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 अरे, नीचे उतर। मैं कहता हूँ नीचे उतर। मुझे अबे तूने मुझे मारा? देख अभी दिखाता हूँ तुझे। अरे मुझे माफ कर दे भाई। लगता है चला गया।
भाई साहब, वो इंसान नहीं, जरूर कोई आत्मा है। हाँ, कोई बुरी आत्मा जिसे इंसानी शरीर मिल गया है। इतना बुरी तरह से मारा उसे, पता नहीं अब कहाँ गया होगा और किसे मारेगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। चलो हम लोग निकलते हैं। चलो चलो, आ जाओ। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने पति को वापस पाने की चाहत में न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली मैंने। पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें यह सोचना है कि इस रंगा को कैसे रोका जाए। लेकिन इससे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर वो हमें मिलेगा कहां। चलो अंदर चलकर ढूंढते, शायद कोई सुराग मिल जाए। चलो। राघव, खून, ये शायद उसी इंसान के खून के निशान है जिसे रंगा ने मारा है। हर्ष, खून के निशान तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा अंदाजा सही था, ये रंगा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो पैदल गया है तो ज्यादा दूर नहीं होगा। चल जीप लेकर जाते हैं, हम फटाफट उसे पकड़ लेंगे। अरे लेकिन तुम लोग क्या करने वाले हो? वो एक आत्मा है और हम सिर्फ मामूली इंसान हैं। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ वो आत्मा है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कमजोरियां हैं। कैसी कमजोरियां? इन सारे लोगों को मारने के लिए उसे इंसानी शरीर की जरूरत है। बगैर शरीर के वो उतना ही बेकार है जितना बिन चाबी के ताला। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जल्द से जल्द उस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही वो शरीर नष्ट हो गया रंगा का थी है। मैं अभी आता हूं। Thank you.
चली गई रंगा की आत्मा, चली गई। हाँ, चली गई रंगा की आत्मा। सुजाता, अब आइंदा भूलकर भी किसी भी सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश मत करना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।